नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मोड ऑन। दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज की स्टूडियो में जो इसका बेसिक कंसेप्ट है पहले वो क्लियर करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट इस जो एक्सरसाइज का है वो बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, वो भी ओनली इन 5 मिनट्स। तो इसमें ओनली आपको दो चीजें मेन याद रखनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं वो देखिएगा। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा 1-1, दूसरा ऑन टू। 1-1 फंक्शन होता है, एक होता है ऑन टू फंक्शन, मैनी वन भी होता है। बट ये एक्सरसाइज में आपको दो ही चीजें याद रखनी है, 1-1 और ऑन टू। अब इन दोनों एक्सरसाइज में जो फंक्शन है वो मैं आपको एनसीईआरटी के अनुसार बताता हूँ। अगर आप किसी रेफरेंस बुक से करोगे तो उसमें से दिया हुआ है, वो भी बता दूंगा। बात आती है 1-1 की। तो 1-1 के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा डेफिनेशन नंबर 5 देखिए। एक फंक्शन एफ जो कि एक्स टू वाई टेंस्ट कर रहा है, यानी कि एक्स टू वाई मूव कर रहा है, इज डिफाइंड टू बी 1-1 और इंजेक्टिव। जी हाँ, 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं। इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि ऑन टू को सब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? अब बात क्या कह, जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है, आगे देखिएगा। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू, एफ एक्स एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, दैट इंप्लाइज एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू। ध्यान से देखिएगा, कहने का भाव ये है, आपके पास कोई फंक्शन है ये, दूसरा ये है एक्स, ये है वाई, ये है डोमेन, ये है रेंज। यहाँ पे कोई आपको दो फंक्शन, तीन फंक्शन है, इधर भी आपके पास तीन है। बात आती है 1-1 की। 1-1 की मतलब ऐसे, तो भाई वो 1-1 बिलोंग्स है। अब इसमें बात समझने की क्या है, कोई भी आपको एक्स वन दे दे और कह दे एक्स टू के इक्वल है, एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूं, एनसीईआरटी ये इंप्लाई करती है, अगर ये है ना ये सुधा है तो आपका जो फंक्शन है वो 1-1 है, यानी कि ये कंडीशन इंप्लाई होनी चाहिए, तभी आपका जो फंक्शन है वो 1-1 होगा। अब बात आती है मैनी वन की। मैनी वन की एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, एफ फंक्शन एक्स टेंस टू वाई ओन टू, ओन टू की बात कर लेते हैं पहले, एंड द फंक्शन एफ वन इन द फिगर, फिगर देखा आपका नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, कहना कहता रहे इज द इमेज ऑफ वाई इफ एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट मान लेते हैं आपकी बार की डायग्राम है, बीच में जो लिंकेज है टेंस टू की वो हम कट कर देते हैं। डायग्राम भी आप बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम भी इंपोर्टेंट है, आपके जिन जिन समय में डायग्राम बनाओगे उनमें आपको बहुत प्रॉफिट होगा। एक्स है वाई है, आपको डायग्राम देख रहे कौन सा बनाना है 1.2। अच्छा, आगे देखिएगा, आगे क्या करें, ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ऑफ एवरी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यदि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ वाई, वाई की जितनी भी एंट्री है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट अंडर एक्स। ध्यान से देखने वाली बात ये है कि जो आपके पास चाहे ये फंक्शन है, मान लीजिए इसके अंदर आपको डोमेन में इतने पॉइंट्स दे रखे हैं, रेंज में भी आपको इतने दे रखे हैं। अब मैं इसी बात को ऐसे कहूं, भाई मान लीजिए जो आपको डायग्राम है उसमें आपको चार चार दे रखे दोनों तरफ, तो इधर भी आप चार चार ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो एनसीईआरटी कौन सा चलना है। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि कोई आपको यहाँ पे चार फंक्शन दिए हुए हैं, इधर भी चार है। अब देखना है पहले का पहले के साथ लिंकेज है, दूसरे का दूसरे के साथ। बात आती है तीसरे की, तीसरे की भी देख लीजिएगा, तीसरे की है चौथे के साथ। क्लियर है? अब देखना क्या भाई क्या चीजें, क्या सारा सुधा हुआ है वो देखिएगा। अब एनसीईआरटी के अनुसार बताता हूं मैं आपको भी ये सब कैसे हुआ। देखिएगा,
जो हमने किया, अभी मान लीजिए आपका पास कोई फंक्शन था, ठीक है, अब आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मैनी वन है या वन वन है। अब इसी बात को आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं इस बात को ऐसे कहूं, ये वन एक है, ये एक है, सिंगल सिंगल है सभी, तो ये वन वन हो सकता है, बट हमें क्या चाहिए, ओन टू फंक्शन। तो ओन टू के लिए क्या करेंगे वो भी देख लीजिएगा। अब ओन टू के लिए दे रखा है इफ द फंक्शन एफ थ्री एंड एफ फोर इन द फिगर, आपको फिगर दे रखा है आर ओन टू, ओन टू फंक्शन है कौन कौन से, थ्री और फोर। अब थ्री और फोर को और कंपेयर कर लेते हैं, ये तो बात थी अपनी वन वन की, क्योंकि सिंगल सिंगल है सभी। देखिएगा ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, यानी कि एक की इमेज है और एक ही डोमेन है, ठीक है। बात आती है जो हमारी ओन टू फंक्शन है, ओन टू का आपका फिगर ऐसे दिया है कुछ, देखिएगा। अब मान लीजिए आपको चौथा फंक्शन आपके पास, ठीक है, अब इसमें दे रखा है जैसे कि आपको चौथे का कोई और लिंकेज दे दी, मान लीजिए ये दे दिया आपको लिंकेज, ये खाली रहेगा। तो अब बताइएगा अगर ये खाली रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ओन टू फंक्शन ओनली वो देना है कि इमेज वो सारी एक्स में बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ एक्स है वो इक्वल्स टू वाई है तो हमारा फंक्शन ओन टू है वरना नहीं है। दोस्तों अब हम इस एक्सरसाइज के सम की बार बात कर लेते हैं, तो बढ़ते अब हम फर्स्ट सम की ओर, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट सम की स्टेटमेंट, फर्स्ट सम की स्टेटमेंट क्या है वो मैं रीड आउट कर देता हूं। सो दैट द फंक्शन, अब की बार आपके पास फंक्शन है जो कि आर स्टार से आर स्टार बिलोंग्स करता है, डिफाइंड बाय और डिफाइंड ऑन एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। आगे क्या स्टेटमेंट, इज वन वन एंड ओन टू, वेयर ये मैं शो करने चाहिए वन वन भी और ओन टू फंक्शन, दोनों फंक्शन एक शो करना पड़ेगा। आगे क्या कहता है देखिएगा, वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो ये आर स्टार है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स, ये जीरो नहीं हो सकता बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे है इफ इट इफ द रिजल्ट ट्रू देन द डोमेन आर आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय, रिजल्ट तो यही होगा, तो डोमेन है वो रिप्लेस हो जाएगी नेचुरल नंबर यानी कि एन से विद द कोडोमेन बींग्स एज आर, जो हमारी कोडोमेन है आर स्टार उससे रिप्लेस होकर वो नेचुरल नंबर में बन जाएगी। तो अब स्टेटमेंट को सोल्व करते हैं और इसको ऑन टू वन वन शो करते हैं। तो वन वन शो करने के लिए आपको क्या करना होता है वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको लेट करना है, क्या लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर स्टार, इस आर स्टार से, ठीक है, डोमेन वाले। अब बात आती है आर स्टार से बिलोंग करता भी तो है, तो अब आपको क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन एफ एक्स है हमें चेक करना पड़ेगा, जो फंक्शन एफ एक्स है और फंक्शन एफ एक्स टू है, ये तो हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी गिवन होती है। हमें प्रूफ क्या करना होता है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, यानी कि दोनों के जो सेट कंपोनेंट है वो इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ रहे हैं तो जो आपकी जो भी आपका फंक्शन है वो क्या होगा, बिल्कुल वन वन होगा। तो चेक कर लेते हैं, एफ एक्स वन क्या बनेगा आपका वन अपॉन एक्स वन, ये आपका वन अपॉन एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स टू बराबर एक्स वन, यानी कि दोनों चीजें इक्वल आ गई। इक्वल आने के क्या लिखेंगे, सो एफ इज वन वन फंक्शन, एफ है वो हमारा वन वन फंक्शन है। बढ़ते हैं ओन टू की तरफ, अब ओन टू में क्या करना है वो देख लीजिएगा। अब बात आती है ओन टू की, ओन टू में क्या करना है, अब आपको मानना पड़ेगा लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। अब की बार यहां से यहां चल रहा है, यानी कि डोमेन रेंज से डोमेन की तरफ चल रहा है। अब की बार जो ओन टू फंक्शन है उसके लिए यही करना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्टिव वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, बता दिया था, और ओन टू को सब्जेक्टिव बोलते, तो ये इंजेक्टिव भी है, वो सब्जेक्टिव चेक कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट, देयर, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे एक केवल एक ऐसा एलिमेंट है
जो कि एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट एग्जिस्ट एज एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई, एलिमेंट एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन वाई, ये हमें लेट किया था y belongs to R. अगर y belongs to R है, इस R star से belong करती है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे f x है वो f यहाँ पे y है, रेल से चल रहा है और आपको डोमेन पे आ रहा है, ठीक है, समझ गए बात। अब आपको इसको प्रूव करना है, प्रूव कैसे करेंगे वो देखिएगा। प्रूव करना कुछ आपको इस प्रकार से है, आपको चेक करना पड़ेगा जो आपका ये f x है, यानी कि अब की बार ये आपका वन y है, अब आप ये चेक करना अगर ये x इक्वल आता है तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ट्रू है तो आपका फंक्शन ऑन टू है, तो चेक कर लेते हैं। अब वन अपॉन वाई, अब इसका रेसिप्रोकल तो करना पड़ेगा, तो ये कहेगा आपका हाँ। अब ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, y है, अब चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से सोचने की क्या बात है कि वो तो मान लेते y आ गया और ये आपका वन अपॉन वाई आ गया। अब ध्यान से देखिएगा जो वन अपॉन वाई है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था कि आपको ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्रूव करना पड़ेगा, वो हमने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ, सो फंक्शन इज एफ इज ऑन टू फंक्शन। कलिए इतना, आगे स्टेटमेंट में क्या कहता है, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सो डोमेन, अब इसकी डोमेन बताइए, डोमेन क्या हो सकती है अगर चेंज हो तो। अब बात आती है डोमेन की, तो डोमेन कैसे पता लगाएंगे, जो आपका फंक्शन वन वन ऑन टू जैसे आपने प्रूव किया था ना वैसे आपको पता चल जाएगा कि इसकी डोमेन और डोमेन क्या रहेगी, तो देख लीजिएगा क्या आती है वो, तो इसकी डोमेन आएगी नेचुरल नंबर। आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी डोमेन है, देखिएगा मैं आपको एक बार रीड आउट कर देता हूं, इफ द रिजल्ट इज ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू आ जाता है, वन वन ऑन टू हो जाता है, ट्रू आ जाता है, द डोमेन इज आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन, नेचुरल नंबर से रिप्लेस। अब की बार अपने पास क्या आ गई डोमेन, नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे कोडोमेन है वो होगी आपके पास आर स्टार, इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे होगा, n tends to r star, ध्यान से देखना, n tends to r star is given by function। अब जो हमने ये function किया है, क्या ये वन वन ऑन टू हो सकता है, इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर और r star का फंक्शन आ गया, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। सो द गिवन, सो दिस 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 फंक्शन इज नॉट ऑन टू, अब कारण भी तो लिखना पड़ेगा भाई, ये ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज फॉर वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, अगर वाई आर स्टार से बिलोंग करता है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू, देयर आपको ये लिखनी पड़ेगी सारी, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, अब क्या एग्जिस्ट नहीं करती है, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू फॉर एक्स इज इक्वल टू फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, या फिर एक्स बिलोंग्स टू एल, ये दोनों कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी, तो यानी कि ये जो फंक्शन ये निकाला था वो वन वन ऑन टू नहीं है।